उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आमान परिवर्तन के बाद नए सीतापुर लखनऊ ट्रैक पर ढाई वर्ष बाद रेलगाड़ियां दौड़ेगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने खैराबाद अवध स्टेशन पर एक विशेष डेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सीतापुर लखनऊ रेल लाइन का शुभारंभ किया। बता दें कि लखनऊ से सीतापुर के बीच पहली मीटर गेज ट्रेन 14 नवंबर 1886 को चली थी। इसके बाद इस रूट पर लाखों मुसाफिरों के लिए ये ट्रेन आवागमन के लिए प्रमुख जरिया बन गया था। अनावरत 130 वर्षों तक मुसाफिरों का सफर कराने वाली छोटी लाइन ट्रेनों का संचालन अमान परिवर्तन की वजह से 14 मई 2016 की मध्यरात्रि बंद कर दिया गया था। आखिरकार दिसंबर 2018 पूरा कर लिया। इस ट्रैक पर 120 की स्पीड से ट्रेन दौड़ाकर गुणवत्ता का सफल परीक्षण किए जाने के बाद आज ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। और मैं इस इलाके के लोगों को बधाई देना चाहता हूं और हमारे जो सांसद हैं माननीय राजेश वर्मा जी, वो लगातार इस क्षेत्र के हमारे तीनों सांसद राजेश वर्मा जी मिश्रा जी और दबाव बनाए हुए थे कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। शेष जो काम है मैलानी तक का, वो भी मार्ग पूरा हो जाएगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों के आवागमन को काफ़ी गति मिलेगी। आज तीन जोड़ी गाड़ियां यहां से चलाई गई हैं और गोरखपुर लखनऊ जो ट्रेन आती है उसे सीतापुर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां के सांसद राजेश वर्मा जी ने लखनऊ से पुणे से लखनऊ और मुंबई से लखनऊ जो गाड़ी आती है उसके विस्तारीकरण की बात कही है। उस पर भी महाप्रबंधक यानी रेलवे उपा दिया गया है, शीघ्र इस पर भी निर्णय किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज परिचालन शुरू हुआ है, आने वाले समय में देश के बड़े शहरों से क्षेत्र जुड़े, इसके लिए भारतीय रेल पूरा प्रयत्न करेगी। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा में भारत सरकार के निवेश के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगे हैं कि भारत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए व चतुर्थ श्रेणी में भर्ती शीघ्र की जाए। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना था, चार्टर कोई भीख नहीं है तथा अस्थायी रोजगार का सृजन किया जाए, भारत के किसानों को उचित दाम दिया जाए। अगर भारत सरकार ने हम कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो पुनः देशव्यापी हड़ताल को आह्वान करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे और रोड पर काली पट्टी बांधकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी तथा भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा गोला के अध्यक्ष रामाधार एवं महामंत्री सतीश चंद्र, सतीश अरोड़ा, नंद बहादुर इत्यादि कर्मचारियों ने बताया कि हम लोगों ने गोला शाखा प्रबंधक व मंडल कार्यालय डिवीजन को ज्ञापन देकर सूचित कर दिया है, परंतु अभी तक हम लोगों को वहां से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। परंतु कुछ अधिकारियों का कहना है, जो सरकार फैसला करेगी उसी को माना जाएगा। हड़ताल का हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए और नई भर्ती क्लास थ्री क्लास फोर की जाए, किसानों को उचित मूल्य दिया जाए। इस बार में कितने दिन यहाँ पर बंद रहा ये? इस बार में हमारा 8 और 9 तारीख को हड़ताल, भारत देशव्यापी हड़ताल को हमने आह्वान किया है। भाई दिवे, आपकी अगर सरकार ने नहीं मानी तो आगे क्या आप लोग करेंगे? आगे हम इसके हड़ताल पे फिर भी जाएंगे, आज नहीं तो कल। आपने किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया है हड़ताल के लिए। किसी अधिकारी को? अपने शाखा प्रबंधक को दिया है और मंडल कार्यालय डिवीजन मैनेजर को दिया गया है। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कोई बात अभी इस पे चर्चा करने से मना किया, जो भारत सरकार फैसला लेगी वो बताएंगे, हमको अवगत कराएंगे। पूरा देश प्रदेश में अवैध खनन की जांच में सीबीआई के ताबक तोड़ छापों के बावजूद दबंग बालू माफियाओं में कोई खौफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की रोक के बावजूद बेखौफ खनन माफिया जिला प्रशासन और खनिज विभागों की मिलीभगत से बेतवा नदी की जलधारा को रोककर अवैध पुल बनाकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। जालौन के नगर पंचायत कोटरा के स्थायी पुल जिस पर हल्के वाहन भी गुजर सकते हैं, ऐसा होने के बावजूद खनन माफियाओं ने शॉर्टकट रास्ते को चुनकर नदी की जलधारा को रोककर ही अवैध पुल बना लिया है, जिससे करोड़ों के राजस्व का भी शासन को नुकसान हो रहा है। जनपद जालौन की सीमा से लगे जनपद झांसी के बेहतर घाट संचालकों द्वारा बेतवा नदी में अवैध पुल बनाया गया है।
गाटर संख्या 522 बेहतर घाट संचालकों द्वारा अवैध बालू से जुड़े ट्रकों को आसानी से दूसरे जिले की सीमा द्वारा पास कराने के लिए पुल बनाया गया है। नगर पंचायत कुठरा के बेरियल पुल कर्मी महावीर प्रसाद ने बताया कि बालू माफियाओं द्वारा बनाया गया यह पुल पूरी तरह अवैध है, जो अवैध खनन में लिप्त घाट संचालकों द्वारा बनाया गया है। आप यहाँ पर नगर पंचायत के बेरियल, ये जो बगल में एक पुल बनाया गया है, ये किसने बनाया, क्यों बनाया? अब देख तो रहे आप सब, चल रहा होगा बालू वालों बनाया, बगल वालों ने। अच्छा अच्छा, किसी को अनुमति नगर पंचायत से? नहीं, कोई अनुमति नहीं, क्योंकि अपने मोरम के भरे हुए ट्रक निकालने के लिए इन्होंने ये बना। हाँ, पुल वैध है या अवैध है? पुल अवैध है वो। अच्छा, अवैध है तो क्या इन्होंने दमंगी के बल पे अपना? बिल्कुल, इससे तो आपका जो सरकारी बैरियर, इसका नुकसान होगा, नुकसान पूरा नुकसान है। हम कह रहे झगड़ा की संभावना है, और कल कब से बैठी झांसी जी, DIG, IG, SDM गनोटा, कल 5 गाड़ियां यहाँ पर, सब देख रहे, रोज आ रहे, कल आ रहे, परसों आ रहे। क्या अधिकारियों ने पुल 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 तोड़ने की जिहाद नहीं उठाई? नहीं, सब चल रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब आ रहे हैं सब। उप जिलाधिकारी उरई सदर विकास कश्यप ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर कोठरा में बेतवा पर पुल बनाया गया है, जिसकी जांच कराई जा रही है, जिसे अनुमति न होने पर अवैध पुल को तुड़वा दिया जाएगा। अच्छा, ये अभी थोड़े दिन पहले जानकारी मिली है कि एक पुल जो है वो नगर पंचायत का बना हुआ था, जिसपे लाइट मोटर व्हीकल के लिए बनाने के लिए था, इसके बगल में ही शायद एक अभी पुल बनाया जा रहा है। तो उनके द्वारा हमें कुछ कागजात दिखाए गए थे कि ये उन्हें NOC मिली है और उन्हें बेतवा नहर खंड से अनुमति मिली है कि ये पुल बना सकते हैं, पर हम उसकी जांच कर रहे हैं। अगर इस जांच में ये पाया जाता है कि ये पुल अवैध है, तो इसको तत्काल जो है तोड़वा के इस पर कार्रवाई की जाएगी। समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को नगर पंचायत खुटार की तरफ से अनुपम शुक्ला अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी धर्मवीर सिंह एवं समस्त सभासदगण की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 4 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस स्वच्छता और सफाई की मुहिम चलाई थी, वह आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुकी है, जिसका सकारात्मक रूप दिखने भी लगा है। नगर पंचायत खुटार में किए गए कार्य से हम आपको दिखाते हैं एक स्वच्छता की झलक। ये नजारा है शाहजहांपुर के नगर पंचायत खुटार का, जहां के चेयरमैन अनुपम शुक्ला ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि दिन या रात नगर में कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद था कि नगर को साफ सुथरा बनाना, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, जिसका गवाह ये पक्की नालियां, गांव के पानी को बाहर करने के लिए ये पक्की सड़कें, लोगों के आवागमन के लिए और पात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सुलभ शौचालय, गरीबों के घर भी रोशनी हो, इसके लिए बिजली व्यवस्था, यहाँ पर स्वच्छता अभियान का एक अलग ही नजारा दिखता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब देश में स्वच्छता कवरेज 2014 के करीब 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो चुका है। करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। 450 से अधिक जिले, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इस बदलाव के वाहक आप सब हैं, जिन्होंने न केवल स्वच्छता के प्रति अपनी मानसिकता बदलते हुए इसकी संस्कृति अपनाई, बल्कि राष्ट्र और समाज को स्वस्थ सशक्त करने की अपनी भूमिका का भी निर्वाह किया। जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला कोकरनाथ के अंतर्गत सरकार के द्वारा कोटेदारों को जो दी गई बायोमेट्रिक मशीनों के द्वारा राशन न वितरण हो पाने के कारण कोटेदार और कार्डधारकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं तो जनता आक्रोशित होकर विवाद करने पर आमादा हो रही है। साहब इतनी है कि हमको 3 दिन से बार बार आते हैं, बुढ़े आदमी हम बड़ी दूर से आते हैं और यहाँ फिर वही मामला हो जाता है। क्या मामला, क्या होता? मामला ये है, अंगूठे पर लाइन में लगे रहते हैं, कहीं इतनी भीड़ है कि पहुँच नहीं पाते वहाँ तक, और फिर ये सर्वे डाउन हो जाता है और बहुत परेशानी। कितने कब तक, कब से आ रहे हैं? हम 3 दिन से आ रहे हैं सर। कम उठा है उसमें, मशीन में नहीं, नहीं मशीन में कोई मौका ही नहीं मिला, कितनी भीड़ रहती है, अपना छीन छान मचा रहते हैं हम कमजोर आदमी सब, और फिर आज जो है आज तो सर्वे डाउन हो गया इसका। ऐसा ही ताजा मामला सर्वोदय नगर कोटे की दुकान का प्रकाश में आया। वहां पर सैकड़ों कार्ड धारक राशन लेने के लिए 2 दिन से भटक रहे हैं।
लेकिन उनको राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कार्ड कोटेधारक से विवाद कर रहे हैं। कोटेधारक का कहना है कि बायोमेट्रिक मशीन जो हमें सरकार के द्वारा प्राप्त कराई गई है वो अभी सही से कार्य नहीं कर रही है, हम लोग खुद परेशान हैं। ये कोटे की समस्या क्या चल रही है? जनता कोटे की समस्या ये चल रही है, ये मशीन से बांटने का आदेश हुआ है। पांच तारीख से बांटने का आदेश हुआ। मैं 5 तारीख से बराबर बांट रहा हूँ, लगभग 250-300 कार्ड अभी बांट पाए हैं 5 तारीख से अभी तक। और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मशीन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, ना मशीन चल रही है। तो ये हमने किसी अधिकारी को सूचित किया? हमने अपने ऑपरेटर को सूचित किया, 4-5 बार कल भी फोन किया, आज सुबह से 10 बार फोन लगा चुके हैं ऑपरेटर को। क्या आपने लिखित में SDM को दिया है? नहीं, लिखित में मैंने नहीं दिया। मैं ऑपरेटर से ही बात कर सकता हूँ, अपने विभाग से बात कर सकता हूँ, अपने ऑपरेटर से बात कर सकता हूँ। तो कुछ लगता है सही होगी कि नहीं होगी? ऑपरेटर ने तो अभी कहा है, हमसे कहा कि ऐसा है भाई साहब, लगभग 1-2 बजे चालू होगा वहाँ से, तब हम आपको सूचित कर देंगे। ये समस्या क्या हो रही है जो मशीन नहीं चल पा रही है? समस्या का नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपने किसी अधिकारी को सूचित किया? हाँ, सप्लाई के यहाँ फोन किया है। कितने दिनों से गल्ला बांट रहे हो आप? परसों से मशीन चालू हुई है, आज नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये समस्या सभी जगह है कि आपके यहाँ? हर जगह समस्या है, सभी ब्लॉकों में। मौके पर मीडिया के कार्यकर्ता पहुंचे तो कार्ड धारकों ने बताया कि हम लोग 2 दिन से राशन लेने के वास्ते आते हैं, इंतजार करके वापस लौट जाते हैं। लोगों का कहना है कि घर की गृहिणी राशन लेने आएंगी तो गृह कार्य कौन करेगा? समस्या यही है, 2 रोज आते हैं, आते घूम जाते हैं बराबर। क्यों घूमने बजती है? कहीं सर्वे डाउन है, कहीं मशीन नहीं चल रही, कहीं कुछ भी है, यही सब कहते बनाते हैं। और क्या, रोज जाओ रोज घूम जाओ। क्या इसमें कोटेदार की गलती है? अब ये तो कोटेदार समझ सकता है कि गलती है या नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं। क्या मशीन पर आपने एक बार अंगूठा लगाया है? नहीं, 2 दिन से हम घूम रहे हैं, अभी लगा ही नहीं है। क्या बताते हैं यहाँ? बताते हैं कि सर्वे डाउन है, कहीं कोई भीड़ है, कहीं कुछ भी है, यही देख दाख के रास्ता अपने चले जाते हैं घर पे। मीडिया ने खाद्यान्न आपूर्ति अधिकारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो बायोट्रिक मशीन प्रदान की गई है उनमें यह देखा जा रहा है कि किन स्थानों पर नेटवर्क की समस्या आ रही है। इसके संबंध में यह कहना है कि परीक्षण की व्यवस्था और व्यवस्था भी 5 तारीख से जो है शुरू हुई है। इसमें यह देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं, सर्वर की कहाँ समस्याएँ आ रही हैं, नेटवर्क की कहाँ समस्या है। तो ये 2-4 दिन देखने के बाद यह कमिश्नर साहब का आदेश आया है, एक पत्र आया है कि चूंकि व्यवस्था जो है नई लागू हुई है और अभी प्रोसेस में है, तो इसके लिए किसी भी कार्ड धारक को जो है परेशान ना हो, तो इसके लिए प्राक्सी व्यवस्था जो है पूरे महीने खुले रखने की बात की गई है। उसमें एक ID लेकर के और उसी ID पर कार्ड धारक का बयान लेकर के खाद्यान्न जो है दिया जाएगा। और जिन कोटेदारों के मशीनें नहीं आई हैं या जहाँ नेटवर्क की बिल्कुल समस्या है कि नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, उनको जो है मैनुअली जो है बांटने का आदेश जो है दिया जा सकता है। तो कमिश्नर साहब के पत्र के परिप्रेक्ष्य में DM साहब का आदेश जो है जारी होने वाला है और वह आदेश जो है आजकल में ही आ जाएगा और उसके बाद यह कोटेदारों को आदेश दे दिया जाएगा कि वे जनता की समस्याओं को देखते हुए जो है मैनुअली या प्राक्सी के माध्यम से जो है खाद्यान्न बांटेंगे। सीतापुर के संदरा थाना क्षेत्र के आदि गंगा घूमते स्थित एमा घाट पुल के पास का मामला है। आपको बता दें कि बीती शाम करीब एक अज्ञात महिला का शव गोमती के किनारे पड़ा हुआ मिला। लोगों ने देखा तो शव करीब 25 वर्षीय महिला का था, जो सलवार सूट पहने थी, गले में पीतल का माला भी था। वहीं शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना संदना क्षेत्र में अहिमा पुल के गोमती नदी में, अहिमा पुल के नीचे जो है गोमती नदी में एक 25-26 साल की एक महिला की जो है डेड बॉडी मिली। कल देखा गया उसे और फिर चूँकि 20 धार में वो डेड बॉडी थी, बाद में जब नाव से उसकी तलाश की गई तो करीब 3-4 किलोमीटर दूर जाने पर वो बहती हुई, फिर उसको रात में रिकवर किया गया उसकी डेड बॉडी को। और ये करीब 5-6 दिन पुरानी डेड बॉडी है, उसकी जो है उसकी चमड़ी वगैरह काफ़ी उघड़ गई थी सड़ करके, और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है और PM रिपोर्ट आने के बाद फिर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।